गुड मॉर्निंग एवरीवन। फ्रेंड्स, आपको पहला लेटर समझ में आ गया? यस। Yes, ma'am. Okay. Just a minute. Activity sample. Yes. ओके। अभी बता रही हूँ, एक सेकेंड रुको, मैं आपको पहले भेज दूँ। जो लास्ट में आपका मैंने जो बताया था, जिसमें हम कैरी को पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं, आप उसका एग्जांपल पूछ रहे हो? ओके।
आप सबको स्क्रीन विजिबल है? देखो उसमें सिंपली अगर आपके पास सपोज 3 बिट का कोई नंबर है, ठीक है, उसको आपको ऐड करना है। सपोज हमारे पास है 0 0 1 0 1, 4 बिट का ले लिया मैंने यहाँ पे नंबर 1 1, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका है ए और ये है आपका बी। तो सिमिलरली ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए नॉट, ये आप ये वाला मतलब सॉरी ये वाला लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी ए नॉट, ये ए वन, ये ए टू, और ये ए थ्री, ठीक है। अब ये वाला है बी नॉट, बी वन, बी टू, बी थ्री, इनको हमें ऐड करना है। 0 प्लस 1 1, तो कैरी क्या आएगी यहाँ से? 0 0, जिसको मैंने सी वन माना है, ये वाली कैरी को। 1 प्लस 0 1, कैरी क्या आएगी? 0 जीरो प्लस वन वन, फिर कैरी 0 आ गई। अब 0 प्लस 1 1, फिर से हमारी जो फाइनल कैरी है वो भी क्या आ गई? 0। अब अगर मैं इस सर्किट में सिंपल एडर पैरेलल एडर लगाती जो कि आपका फर्स्ट टाइप था कैरी प्रोपोगेट एडर वाला, तो उसमें आपका क्या होता, एक फुल एडर लगाते ये दोनों ऐड होते, फिर इसकी कैरी जनरेट होती सी वन, वो यहाँ पर ऐड होती, इसको वेट करना पड़ता, फिर ये एडिशन का रिजल्ट देता, कैरी का रिजल्ट देता, वो कैरी फर्दर यहाँ पर आकर ऐड होती। मीन्स इन सबको वेट करना पड़ता अपनी प्रीवियस ब्लॉक का जब तक कि वो उसको आउटपुट ना दे दे। ये इतना क्लियर है? लेकिन अब सेकंड वाले में हमने क्या किया, आपके सारे के सारे फुल एडर्स, जितने भी फुल एडर्स, सपोज हमने यहाँ पे 4 फुल एडर्स लगाए क्योंकि 4 बिट को ऐड कर रहे हैं, जितने भी फुल एडर्स हैं उनको वेट ना करना पड़े, पैरेलली वो काम करें, हमने कैरी को पहले ही कैलकुलेट कर लिया। कैसे किया? हमें पता है कि फुल एडर में जो कैरी का एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, हाँ, ए बी अब आप मुझे ये बताओ कि इसमें सी क्या है? कैरी। कैरी और ए और बी क्या है? ये वाले नंबर, ठीक है। तो जब भी हम कोई एडिशन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर प्रीवियस कैरी होती है, अगर वो नहीं होती तो हम इसको 0 से कनेक्ट कर देते हैं ग्राउंड से। आप सर्किट डायग्राम में देखोगे तो ग्राउंड से कनेक्ट किया होगा, ठीक है। तो अब हमें एक लॉजिक बनाना है, एक यहाँ पे सर्किट डिजाइन करना है जिस सर्किट के अंदर कैरी जो है वो विदाउट एडिशन ही हमारे पास कैलकुलेट हो जाए, सो दैट कि साइमल्टेनियसली हम हर एक ब्लॉक के अंदर जो है वो कैरी को दे सकें, लाइक योर सी वन, सी टू और सी थ्री और सी फोर आपकी फाइनल कैरी। यहाँ तक क्लियर है? अब इनिशियली सबसे पहले इस सर्किट को क्या कैलकुलेट करना है, सी वन कैलकुलेट करना है हमें। ये तो मैंने खुद तुम्हें बताया है ना कैलकुलेट करके कि 0 0 0 आएगी, पर इस सर्किट को तो नहीं पता ना कि ये कैरी 0 0 आएंगी, इसका तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना।
तो इसमें हमने क्या किया, हमको पता है सी की वैल्यू, सी वन सी टू सी फोर की, सी वन सी टू सी थ्री सी फोर की वैल्यू ये सर्किट कैलकुलेट करेगा। तो इसमें ये लॉजिक लगा हुआ है, इस सर्किट में आपने ए नॉट दिया जीरो और वन, और प्रीवियस कैरी हमने जीरो से कनेक्ट कर रखी है, मीन्स हमारे पास इस केस में ए की वैल्यू है जीरो और बी की वैल्यू है वन। तो रखो ए की वैल्यू को रखो जीरो, देखो अब ए की वैल्यू को क्या रखोगे जीरो और बी की वैल्यू को क्या रखोगे वन, प्लस बी की वैल्यू क्या है वन, सी की वैल्यू क्या है जीरो, प्लस ये सी की वैल्यू क्या है जीरो और ए की वैल्यू क्या है जीरो। तो क्या आंसर आएगा, बताओ ये स्टूडेंट्स, क्या आंसर आया है? ये जीरो जीरो इनटू वन जीरो, ये जीरो जीरो नहीं आएगा आंसर? यस मैम, वो प्लस गलत कर दिया। ये जीरो जो आंसर आया है किसकी वैल्यू है? ये हमने C1 कैलकुलेट किया है, C1 यानी कि जो यहाँ वाली कैरी है, ये वाली कैरी। अब हमें C2 कैलकुलेट करना है, लेकिन इनको ऐड नहीं करना। इस केस में A की वैल्यू होगी 1, B की वैल्यू होगी 0। और इस केस में C क्या होगा, इस केस में C होगा आपका C1, C1 ही तो जा रहा है ना अगली अगली उस पे। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है वन, बी की वैल्यू है जीरो, तो वन जीरो प्लस जीरो, और यहाँ पे सी क्या है सी वन जीरो प्लस सी वन क्या है जीरो और ए क्या है वन, क्या आ जाएगा जीरो। तो ऐसे ही हमारे पास सी वन कैलकुलेट हो गया। अब हमें सॉरी सी टू, ये सी टू आ गया हमारे पास जीरो। ऐसे ही जब आप C3 कैलकुलेट करोगे तो C3 कैलकुलेट करने पर आपको एक A की वैल्यू रखनी है जीरो और B की वैल्यू रखनी है वन, और यहाँ पर ये C क्या बन जाएगा C2। फिर C4 कैलकुलेट करोगे तो ये C की वैल्यू क्या रखोगे, C3 की वैल्यू रखोगे, और उसमें फिर A A नॉट और B नॉट, A और B की वैल्यू क्या हो जाएगी A3 और B3 वाली वैल्यू। तो मीन्स हमने यहाँ पर एडिशन नहीं किया, हमने इन दोनों बिट का एडिशन नहीं किया, सिर्फ कैरी कैलकुलेट करने वाले फॉर्मूले से हमने कैरी को पहले ही क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो यही एक्सप्रेशन जो है इसके अंदर लगा होता है, तीन आपके एंड गेट लगे होते हैं, दो आपके और गेट लगे होते हैं, जिससे कि हमारी कैरी जो होती है सी वन सी टू सी थ्री C4 वो पहले ही कैलकुलेट हो जाती है और आपके सर्किट में जाती है। जैसे मैम कुछ बच्चे वेटिंग में हैं, आप लेटन कर लो, एक सेकंड रुको। देखो अब इसके अंदर, देखो इसके अंदर C1 यहाँ से जा रहा है, C2 यहाँ से जा रहा है, C3 यहाँ से जा रहा है, नीचे से जा रहा है नीचे से, लेकिन यहाँ पर C1 यहाँ से जा रहा था, फुल एडर कैलकुलेट कर रहा था। यहाँ पे फुल एडर कैलकुलेट नहीं कर रहा कैरी को, वो सिर्फ आपका जो ये कैरी लुक अहेड लॉजिक लगाया हुआ है ये आपका कैलकुलेट कर रहा है। हाँ आप पूछो क्या कह रहे हो। यस यस C3 की डलेगी, अब समझ में आ गया। कोई वेट नहीं कर रहा है यहाँ पर, तो
स्टूडेंट्स आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज पैरिटी जनरेटर। पैरिटी बिट क्या होती है आपने सुना है कभी पैरिटी बिट का नाम? ये स्टूडेंट स्क्रीन विजिबल है आपको? देखो पैरिटी बिट क्या होती है, जब भी हम डिजिटल ट्रांसमिशन में डील करते हैं कोई भी मैसेज जो है हम 0101 की फॉर्म में सेंड करते हैं तो सम टाइम फॉर डिटेक्टिंग द एरर, एरर को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं उसमें एक एक्स्ट्रा बिट ऐड कर देते हैं। उस एक्स्ट्रा बिट को जब हम ऐड करते हैं मीन्स दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर मैसेज, मैसेज का पार्ट नहीं है वो, लेकिन उसको हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है सो दैट कि जब हमारी बिट रिसीव होगी हमें रिसीवर पे तो हम ये फाइंड आउट कर सकें कि आपके जो हमने बिट्स को ट्रांसमिट किया है उसमें कोई एरर तो नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो बिट्स ट्रांसमिट होती हैं वो 0101 की फॉर्म में ट्रांसमिट होती है इन योर डिजिटल कम्युनिकेशन, राइट? तो अब इसमें जीरो का वन बन जाए, वन का जीरो बन गया बीच में जब आपने बिट्स को ट्रांसमिट किया, तो रिसीवर कैसे फाइंड आउट करेगा? वैसे तो आपके बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास एरर डिटेक्टिंग के, एरर करेक्टिंग के, बट दिस इज वन ऑफ द मेथड। पैरिटी बिट को ऐड करना मीन्स एक एक्स्ट्रा बिट हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब द क्वेश्चन इज कि जब हम एक्स्ट्रा बिट को ऐड करेंगे तो वो कैसे पता लगाएगी कि एरर है या नहीं है, राइट? तो इस बिट को हम ऐड करते हैं पर्पसली, मतलब या तो ये बिट ऐड होगी तो आपके नंबर ऑफ वंस को बना देगी इवन, या तो ये बिट ऐसे ऐड होगी कि आपके नंबर ऑफ वंस को बना देगी ऑड। लिसन टू मी केयरफुली, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली नंबर ऑफ वंस, ये ध्यान रखो आप, राइट? तो अब हम पैरिटी बिट कैसे ऐड करेंगे? सपोज जो मुझे चीज ट्रांसफर करनी है, जो मैसेज मुझे ट्रांसफर करना है वो है 011011, कोई भी एक नंबर ले लिया मैंने। अब मुझे इसमें पैरिटी बिट को ऐड करके ट्रांसमिट करना है और मैं चाहती हूँ कि मेरी इवन पैरिटी जाए ट्रांसमिट में, ठीक है? तो इवन पैरिटी के लिए मैं क्या बिट ऐड करूंगी, जीरो ऐड करूंगी कि वन ऐड करूंगी, बताओ? नंबर ऑफ वंस काउंट करो, वन टू थ्री फोर, फोर नंबर ऑफ वंस है मीन्स इसमें ऑलरेडी इवन नंबर ऑफ वंस है तो मैं जीरो पैरिटी बिट ऐड कर दूंगी, इसमें अटैच कर दूंगी, ऐड नहीं होता अटैच, साथ में ट्रांसमिट करूंगी। सपोज इसमें नंबर ऑफ वंस फाइव होते तो मैं इसमें जीरो की जगह वन डालती। अब नंबर ऑफ वंस टोटल में कितने हो गए, सिक्स, तो मतलब ये इवन पैरिटी हो गई। अभी क्लियर है स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर है? अगर आपको इसको ऑड पैरिटी बनाना होता तो नंबर ऑफ वंस कितने हैं, देखो जैसे सपोज मैंने ये ट्रांसमिट करना है और मैं चाहती हूँ कि मैं ऑड पैरिटी ट्रांसमिट करूँ, राइट? तो ऑड पैरिटी के लिए मुझे कौन क्या अटैच करना होगा, इसके साथ जीरो या वन? नंबर ऑफ वंस देखो कितने हैं, वन टू थ्री, थ्री नंबर ऑफ वंस हैं तो ये तो ऑलरेडी ऑड नंबर ऑफ वंस हैं तो मैं इसके साथ जीरो अटैच करके भेज दूंगी और रिसीवर के ऊपर, रिसीवर को पता होगा कि इसके अंदर हमने ऑड पैरिटी बना के भेजा था तो उसे नंबर ऑफ वंस ऑड ही रिसीव होने चाहिए। सपोज करो कि ये नंबर ऑफ वन हट जाता है बीच में जब हम वाइल ट्रांसमिशन, तो वाइल कम्युनिकेशन के चैनल के बीच में आपका ये वन हट जाता है तो आपके नंबर ऑफ वंस टू हो गए तो रिसीवर को पता चल जाएगा कि आपके नंबर ऑफ वंस टू है और ये ऑड पैरिटी बना के भेजी थी, मीन्स कुछ ना कुछ आपकी एरर है। इससे आपको क्लियर हो जाएगा? मैम कोई बच्चे बाहर है अभी लॉबी में, तो अभी मैं आपको और भी एग्जांपल से समझाऊंगी। पहले आप ये देखो, इसका थ्योरी देखो थोड़ा सा। पैरिटी जनरेटर होता है जिसको हम ट्रांसमीटर पे यूज करते हैं, एक होता है पैरिटी चेकर जिसको हम रिसीवर साइड पे यूज करते हैं, राइट?
तो पैरिटी जनरेटर आपका क्या होता है? बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट दैट जनरेट्स द पैरिटी बिट इन द ट्रांसमीटर. पैरिटी जनरेटर वो होता है जो कि आपके पैरिटी बिट को जनरेट करता है कहां पर? आपके ट्रांसमीटर पर, राइट? आपका जो पैरिटी बिट होती है वो किस लिए यूज होती है? मैंने अभी आपको बताया पैरिटी बिट किस लिए यूज होती है, फॉर डिटेक्टिंग एरर्स. तो ये होती क्या है बेसिकली? इट इज एन एक्स्ट्रा बिट इंक्लूडेड विद अ बाइनरी मैसेज टू मेक द नंबर ऑफ वंस इधर इवन और ऑड, राइट? हमारे पास टू टाइप की पैरिटी होती है जो मैंने अभी आपको बताया. एक होती है इवन पैरिटी जो टोटल नंबर ऑफ वंस को किसी भी मैसेज में इवन बनाती है, ऑड पैरिटी जो टोटल नंबर ऑफ वंस को किसी भी मैसेज में ऑड बनाती है, राइट? तो देखो, सपोज करो कि हमारे पास एक 3-बिट का मैसेज है. 3-बिट का मैसेज कोई भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन अगर हम देखें 3 बिट्स का तो दैट इज टोटल 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे. तो ये हमने 8 कॉम्बिनेशन बना लिए, ये हमारे 3-बिट का मैसेज है. इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? यस मैम. अब आप ऑड पैरिटी भी जनरेट कर सकते हो और इवन पैरिटी भी जनरेट कर सकते हो. सपोज हमें ऑड पैरिटी जनरेट करनी है तो इस फर्स्ट वाले मैसेज में देखो नंबर ऑफ वंस ऑड है ना, सॉरी नंबर ऑफ वंस जीरो है तो इवन ही मानेंगे उसको हम. तो नंबर ऑफ वंस यहाँ पे जीरो है तो अगर हमें इसे ऑड बनाना है तो हम इसमें 1 डाल देंगे तो ये नंबर ऑफ वंस टोटल में कितने हो गए अब बताओ? 1 हो गया तो यानी कि ऑड हो गए. और अगर हमें इसी मैसेज को इवन बनाना होता तो हम इसमें 0 डाल देते क्योंकि ये तो ऑलरेडी इवन है, नंबर ऑफ वंस है ना. अब सिमिलरली इसमें देखो, इस वाले मैसेज में नंबर ऑफ वंस क्या है, इवन है या ऑड है बताओ? ऑड है. तो ऑड ऑलरेडी ऑड है तो हम ऑड पैरिटी बिट ऑड पैरिटी चेकर में क्या जनरेट करेंगे, 0. और अगर हमें इसी मैसेज को इवन पैरिटी बनाना है तो हम इसमें 1 ऐड कर देंगे. अगर हमने 1 ऐड किया तो यहाँ पे 1 और 1 2 नंबर ऑफ वंस हो गए, दैट इज इवन. इसकी बात करते हैं. यहाँ पर देखो ये 1 है, नंबर ऑफ वंस इवन है ऑड है इस मैसेज में? इवन. तो इवन है तो इवन पैरिटी 0 जनरेट करेगी और ऑड पैरिटी 1 जनरेट करेगा ताकि ये नंबर ऑफ वंस आपके क्या हो जाए, ऑड. तो अगर हमें इसका सर्किट डायग्राम डिजाइन करना है तो मैंने कल ही मैंने आपको 2 days back बताया था कि कैसे हम ट्रुथ टेबल की हेल्प से जो है सर्किट को डिजाइन कर सकते हैं. क्या बताया था स्टूडेंट डिजाइन करने के लिए? सबसे पहले आपको एक्सप्रेशन लिखना है. तो आप यहाँ पे ऑड पैरिटी का एक्सप्रेशन लिखो, बताओ मुझे क्या आएगा. बताओ क्या आएगा एक्सप्रेशन? जहां जहां पर भी 1 है वहां वहां पे एक्सप्रेशन लिखो ना. देखो जहां जहां पर भी 1 है, जैसे x बार y बार z बार प्लस x y y बार z बार प्लस x y बार z प्लस x y z बार, ये आपका ओड का हो गया, ऐसे इवन का हो गया. तो देखो यही एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा है, इवन का एक्सप्रेशन लिखा है और ऑड का एक्सप्रेशन लिखा है. या तो आप इसको सॉल्व कर लो विद द हेल्प ऑफ बूलियन लॉज.
तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, तो यू विल गेट द इवन पैरिटी के लिए आपका एक्सप्रेशन आएगा एक्स एक्सोर वाई एक्सोर जेड, और ऑड पैरिटी के लिए आप कैलकुलेट करोगे तो भी इन्होंने सेम एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। लेट मी चेक, ऑड पैरिटी में एक्स बार वाई बार जेड बार, देन एक्स बार वाई जेड, देन वाई के ऊपर बार आएगा, देन जेड के ऊपर बार आएगा। फ्रेंड्स, ये एक्सप्रेशन जो है वो गलत लिखा हुआ है, आपको क्लियर है मैं क्या बता रही हूँ? तो इसका क्या बनेगा फिर? इसको जस्ट आप सॉल्व कर लो, जैसे x बार y बार z बार है, ठीक है, तो आप जैसे इसमें x बार कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा y z प्लस y बार z बार, तो कॉमन लेके आप कर सकते हो इसको रिड्यूस, सिंपल है। आप इसका k मैप बनाओ ना, इसमें एक्सप्रेशन लगाई क्यों रहे हो? k मैप में मिन टर्म्स को प्लॉट करो, उनकी ग्रुपिंग बनाओ। ये तो गलत बना रखा है k मैप भी इन्होंने, ऑड पैरिटी का गलत है, इवन पैरिटी का ठीक है। तो इवन पैरिटी में आपका क्या एक्सप्रेशन आया था? x xor y xor z, तो यहां पर देखो आपका x xor y ये हो गया और फिर x xor y xor z के लिए ये हो गया, तो मतलब ये वाला सर्किट जो है ये इवन पैरिटी जनरेट करेगा, ऐसे ही ऑड पैरिटी के लिए अलग से बनेगा सर्किट। क्लियर है सबको? यस, ओके। अब आपके पास ये तो हो गया था पैरिटी जनरेटर, कितनी भी बिट्स हो सकती हैं इसमें, 4 बिट्स, 3 बिट्स, 2 बिट्स, मैंने आपको 3 बिट्स का एग्जांपल दिया था। अब है आपके पास पैरिटी चेकर, जो कि हम कहाँ पे लगाते हैं? रिसीवर साइड पे। ये सर्किट आपकी पॉसिबल एरर्स को चेक करता है, कैसे? ये हमारे पैरिटी एरर चेकर की आउटपुट है। सपोज करो कि हमने 4 बिट का मैसेज ट्रांसमिट किया था और उसके साथ, नहीं 4 बिट का नहीं है, ये 3 बिट का ही मैसेज है, 3 बिट का मैसेज हमने ट्रांसमिट किया था, साथ में उसके साथ एक पैरिटी बिट लगाई थी, तो टोटल मैसेज कितने बिट्स का हो गया? 4 का हो गया। तो ये तो आपका मैसेज है, ए बी सी मैसेज बिट्स हैं, और ये पी हमने इसके साथ पैरिटी लगाई थी। अब पैरिटी एरर चेकर का काम क्या है कि वो पैरिटी को पहचाने कि वो ऑड आ रही है कि इवन, राइट? तो अगर हमें पता है कि ट्रांसमिटिंग साइड पे ऑड पैरिटी जनरेट की गई थी, तो आपका जो पैरिटी एरर चेकर है वो क्या करेगा, वो ऑड पैरिटी के ऊपर आपको रिजल्ट बताएगा कि ऑड पैरिटी है क्या, ये इवन पैरिटी है। मीन्स अल्टीमेटली जो पैरिटी एरर चेकर है उसका फंक्शन क्या हो गया कि उसे ये आउटपुट देनी है कि आपकी जो पैरिटी है वो क्या आ रही है, ऑड आ रही है कि इवन आ रही है, राइट? अगर वो इवन आ रही है तो वो 0 आउटपुट देगा, अगर ऑड आ रही है तो वो 1 आउटपुट देगा। ये क्लियर है आपको? यस मैम। देखो इसमें आप चेक करो, किसी भी मैसेज के अंदर आप चेक कर लो, जहां पर भी ऑड पैरिटी होगी वहां पर आपकी आउटपुट 1 आएगी, और जहां पर भी इवन पैरिटी होगी वहां पे आपकी आउटपुट 0 होगी, नंबर ऑफ वंस जहां पर इवन होंगे इंक्लूडिंग योर पैरिटी बिट। चेक करो,
मैम अगर नाइन्थ में चेक करें तो मैम कैसे करेंगे? फोर आ गए। यस, आपकी वॉइस नहीं आ रही है, क्या पूछ रहे हो? नाइन्थ में जैसे अगर चेक करेंगे, फाइव पे, नाइन्थ पे, नाइन पे, ओके। तो नाइन पे देखो नंबर ऑफ वंस कितने हैं, वन टू, तो टू नंबर ऑफ वंस हैं, तो मतलब ये इवन है ना, ठीक है आगे। तो इवन पैरिटी पे रिजल्ट जीरो आएगा, ऑड पैरिटी पे रिजल्ट वन आएगा, तो मतलब जैसे इलेवेंथ पे ऑड है, तो हम इसका रिजल्ट को देख के ही समझ जाएंगे पैरिटी चेक करके कि इवन पैरिटी आई है हमारे पास कि ऑड पैरिटी आई है। तो अब इसमें भी आप क्या कर सकते हो, सर्किट डिजाइन कर सकते हो, जहां जहां पर भी वन है वहां वहां के लिए आप एक्सप्रेशन लिख लो लाइक दिस। इसका आप के में प्लॉट करोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि सॉल्व करने में दिक्कत होगी। जहां जहां पर भी वन है उन उन मेन टर्म्स के ऊपर वन प्लॉट कर लो, दिख रहा है आपको? बट इसमें कोई भी ग्रुपिंग नहीं बन रही है ना? नो मैम, सबके लिए अलग अलग एक्सप्रेशन लिखोगे आप। तो आप देखोगे आपके पास फाइनल ये आ जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे कुछ कॉमन लिया पीए पीए, राइट, फिर अंदर कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा बी बार सी प्लस सी बार बी, तो उसको आप एक्सोर लिख सकते हो, राइट। तो इसको आप करोगे, सॉल्व करोगे, ये आपका होमवर्क है, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी। मैम लेकिन लॉजिक डायग्राम कैसे बना? ये डायग्राम? यस मैम। आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन ये आ जाएगा, P XOR A XOR B XOR C। यहाँ पर P भी लिया हुआ है ना हमने इनपुट में, तो आपके पास फोर वेरिएबल का के मैप बनेगा। तो आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा P XOR A, इनके अकॉर्डिंग है A XOR B। यस मैम, उल्टा कर रहे थे। हाँ तो आप इसको चेक करोगे, इसमें एक्सप्रेशन और लॉजिक डायग्राम भी गलत दे रखे हैं इस वाले में, पैरिटी चेकर में। आप इसका खुद से एक्सप्रेशन बनाओगे पैरिटी एरर का और मुझे चेक कराओगे कल, फिर मैं आपको बताऊंगी कि सही है या नहीं, ठीक है? ओके, एक मिनट रुको, मेरे पास एक और पीपीटी है उसमें चेक करती हूं मैं। नहीं, इसमें भी यही है, इसमें मेरे ख्याल से यहाँ पर P आएगा B की जगह पर और यहाँ पे P की जगह पर B आएगा, है ना? बट आप इस एक्सप्रेशन को एक बार वेरीफाई कर लेना, ठीक है? उसके बाद हम इसको कल देखेंगे, जब आप एक बार इसको वेरीफाई कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, या तो मैं ही सॉल्व करके चेक कर लूंगी कि ये ठीक है क्या नहीं। अब आपका नेक्स्ट जो है दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक इज कंपैरेटर। आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स? कंपैरेटर क्या होता है? देखो, आपको नाम से ही पता लग रहा है कि कंपैरेटर मतलब जो कंपेयर करेगा, राइट? तो देखो, आपका जो कभी भी आपने अगर सर्किट डायग्राम देखा हो आपके प्रोसेसर का, ALU का, तो उसके अंदर है ना हम सबट्रैक्टर नहीं लगाते, उसमें एडर ही लगा होता है, सबट्रैक्टर नहीं होता उसके अंदर। तो हमें कोई भी दो नंबर को अगर हम सबट्रैक्ट करते हैं तब तो हम उसके आंसर से वेरीफाई कर सकते हैं कि भाई ये इसमें कौन सी दो नंबर जो हम ले रहे हैं उसमें से कौन सा छोटा है, उसका कौन सा बड़ा है।
तो कंपैरेटर आपका बेसिकली सब्ट्रैक्टर का ही काम करता है। कंपैरेटर आपका क्या करता है, सपोज आपके पास दो बिट्स हैं, ए और बी दो नंबर हैं, और इनको आपको कंपेयर करना है। तो सब कंपैरेटर आपको ये बताएगा कि ए जो है वो बी से छोटा है, या ए जो है वो बी से बड़ा है, या फिर ए जो है वो बी के इक्वल तो नहीं है, ये बताएगा। तो बेसिकली आपका हो क्या रहा है, बेसिकली वो सब्ट्रैक्शन ही हो रहा है, बट यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन ना करके कंपैरिजन कर रहे हैं। और कंपैरिजन का रिजल्ट कौन शो करता है हमें, फ्लैग्स। आपके सर्किट में फ्लैग्स लगे होते हैं, जिस जो आपके रजिस्टर ही होते हैं। फ्लैग जो होता है वो आपके वन बिट को स्टोर करते हैं, वो उसमें एक जीरो फ्लैग होता है। वो जीरो फ्लैग हमें ये बताता है कि सर कि अगर आपका रिजल्ट जीरो है, इट मीन्स आपके ए और बी इक्वल हैं। अगर वो नेगेटिव है तो वो ये बताएगा कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से बड़ा है। अगर वो पॉजिटिव है तो वो हमें ये बताएगा कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से छोटा है। तो बेसिकली आपका जो कंपैरेटर है उसमें क्या होगा, अगर आपके पास दो नंबर हैं तो वो आपके कंपेयर होंगे। तो देखो सपोज हमारे पास टू बिट कंपैरेटर है, टू बिट का मतलब वो दो ही नंबर को कंपेयर करेगा, जैसे जीरो वन और 10। हमारे पास दो नंबर हैं 22 बिट्स के, हमें इन्हें कंपेयर करना है। तो यानी कि ये ए नॉट है, ये ए वन है, ये बी नॉट है, ये बी वन है, यानी कि ए और बी, इन दोनों को कंपेयर करके हमें ये इन दोनों नंबर को कंपेयर करेगा ये, और हमें बताएगा कि ए जो है वो बी से बड़ा है, ए जो है वो बी से छोटा है, या ए जो है वो बी के इक्वल है। इसमें से जोन सी भी आउटपुट हमारी हाई आएगी, यानी कि वन आएगी, तो भी हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा नंबर का क्या कंपैरिजन है। तो इसकी हमने ट्रुथ टेबल बनाई है। स्टूडेंट्स आप एक बार ये ट्रुथ टेबल देखो, ये कैसे बनी है। इसका फर्स्ट फर्स्ट रो देखो, मैं आपको जस्ट वन मिनट में ज्वाइन कर रही हूँ, आप इसको देखो फर्स्ट वाली रो को।
यस मैम कर लिए कंपेयर। ये स्टूडेंट्स आपको समझ में आया ये कैसे आउटपुट आई है? देखो हम सेकंड केस कंसीडर करते हैं। सेकंड केस में फर्स्ट नंबर है 00, सेकंड नंबर है 01, तो आप मुझे बताओ कौन सा नंबर बड़ा है, ए बड़ा है कि बी बड़ा है? बी बड़ा है, यानी कि बी इज ग्रेटर देन ए, तो यानी कि ये वाली आउटपुट वन आएगी, बाकी दोनों जीरो आनी चाहिए। क्लियर है? अभी हम ये वाला देखते हैं। एक इसमें देखो ये ए है 10, एक है 10 बी, तो बताओ 10 10 क्या है? ए और बी सेम है, इक्वल है, तो यानी कि इक्वल वाली आउटपुट वन आनी चाहिए, मींस ये आपकी वन आ रही है। क्लियर है? यस मैम। अब इसी का हमें क्या बनाना है, डायग्राम। जहां जहां पर भी a ग्रेटर देन b के लिए 1 आया है वो एक्सप्रेशन आपको लिखना है, जहां पे भी a इक्वल टू 1 के लिए एक्सप्रेशन आया वो आपको लिखना है। जैसे ये 1 है तो आपका एक्सप्रेशन क्या होगा? ए नोट का बार, एक सेकंड रुको, एक और बी यहाँ पे इन्होंने किया है। एक्सप्रेशन तो आपका ए नॉट और ए वन की टर्म्स में आना चाहिए ना, ए वन का बार ए नॉट, ए वन का बार फिर बी वन का बार और बी नॉट का बार, राइट? यस मैम। बट यहाँ पर इन्होंने डायग्राम जो बनाया है दैट इज ए ग्रेटर देन बी के लिए इन्होंने लिखा है एक्सप्रेशन ए बार, और फिर मैं मैन गेट है नहीं, बी बार है क्या, ए बार है, ये बी बार है, इन्होंने लिखा है बी बार ए हो गया, तो बी बार ए लिखा है इन्होंने। यस मैम। एक सेकंड स्टूडेंट्स, मैं इसको आपको दूसरे इसमें देख के बताती हूँ। ये तो इन्होंने गलत डायरेक्ट लिख दिया, डायरेक्ट कैसे लिख दिया,
स्टूडेंट्स, जो अभी आपने डायग्राम देखा था ना, ये एक मिनट मेरी पीपीटी में, ये वाला डायग्राम दिख रहा है आपको? Yes, ma'am. ये डायग्राम जो है वो वन बिट कंपैरेटर का है, मतलब आपके पास सिर्फ वन ही बिट है ए और बी, यानी कि 00 01 1011, उनको अगर आप कंपेयर करोगे तो ये डायग्राम बनेगा. देखो जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, देखो आपको दिख रहा है, आपको वन बिट कंपैरेटर दिख रहा है? देखो ये वन बिट है ए और बी, ए ग्रेटर लेस देन बी, ए इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन बी, तो ये ट्रुथ टेबल बनेगी. तो इस ट्रुथ टेबल को सॉल्व करके ये डायग्राम बनाया हुआ है आपके पीपीटी में. डायग्राम आ नहीं रहा है, वो सेम डायग्राम बनेगा, राइट? ये देखो, ये रहा टू बिट कंपैरेटर जो हमने अभी किया है ना, ए नॉट ए वन बी नॉट बी वन, जो आप एक्सप्रेशन बता रहे थे वही एक्सप्रेशन आप लिखोगे, या आप के मैप की हेल्प से पहले ए ग्रेटर देन बी के लिए सॉल्व करोगे, ए इक्वल टू बी के लिए सॉल्व करोगे, एक्सप्रेशन लिखोगे, और ए लेस देन बी के लिए आप एक्सप्रेशन लिखोगे, तो आपके पास ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा. क्योंकि ए नॉट बी नॉट ही तो ले रखे है ना हमने इनपुट में, तो ए नॉट बी नॉट बी वन बी एन वन तो आएगा ही. क्लियर है स्टूडेंट्स मैं क्या कह रही हूँ? आपको करना क्या है, यहाँ ए ग्रेटर देन बी के लिए एक्सप्रेशन लिखो, ए इक्वल्स टू बी के लिए एक्सप्रेशन लिखो, ए लेस देन बी के लिए एक्सप्रेशन लिखो, उसको के मैप से सॉल्व करोगे तो सिंप्लीफाई जल्दी हो जाएगा, और उसका डायग्राम बनाओ अकॉर्डिंगली. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? दिस इज अ डायग्राम ऑफ वन बिट कंपैरेटर. यस मैम, इसमें तो काफी टाइम लग जाएगा अगर एक एक बना के फिर करना. नहीं, काफी टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा जगह पे वन कहाँ पर है, एक दो तीन चार पाँच छः, सिक्स टर्म्स इसमें आएंगी, वन टू थ्री फोर टर्म्स इसमें आएंगी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टर्म्स इसमें आएंगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको. आपको तरीका पता होना चाहिए बस, पेपर में आए तो आप बना सकते हो, ऐसा होना चाहिए, राइट? Yes, ma'am. तो अभी मैं आपको ये दोनों पीपीटीज जो हैं वो सेंड कर देती हूँ. नहीं,